नमस्कार, एनबीसी के खास प्रोग्राम चुनावी महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट इमरान। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो महाराष्ट्र और गोवा बार एसोसिएशन के दो बार चेयरमैन रह चुके हैं। जी हाँ, 2,75,000 वकीलों का दो बार नेतृत्व करने वाले ऐसे ही हमारे मित्र आसिफ कुरैशी जी हमारे साथ यहाँ आज मौजूद है। आज इनका परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं, नागपुर बोलो या पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी में अपना नाम जमाने वाले और हमेशा ही हर समाज के साथ खड़े रहने वाले आसिफ कुरैशी जी आज हमारे साथ मौजूद है। उनका मैं बीसीएन में स्वागत करना चाहूँगा। जी हाँ आसिफ जी, आज हम आज बैठे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 अभी कुछ ही पलों में अनाउंस होने वाला है, तो इस बारे में आप मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहोगे कि पिछले कुछ सालों से 2014 के बाद मुस्लिमों में कई अलग अलग पैटर्न शुरू हुए हैं। आपने कई मुस्लिमों के लिए आंदोलन भी किए थे जिसमें 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम वर्ग शामिल भी हुआ था, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस चुनाव को किस तरह से उन्होंने लेना चाहिए? देखिए इमरान भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा आज इंटरव्यू लेने के लिए महासंग्राम के लिए आप आए हुए हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल तो नागपुर शहर का जो माहौल है, अभी किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि टिकट किसको मिलेगी। सबसे पहले बीजेपी में लोगों में एक असमंजस है कि लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी जी की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये लोगों में एक चर्चा का विषय बना पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास कोई मुद्दा, ये तो मुद्दा नहीं रहेगा कि गैस के भाव बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं, ये LIC SBI जो चल रहा है इस ये हम लोगों ने बेच दिए, इसका निजीकरण कर दिया, ये नहीं रहेगा मुद्दा उनके पास रहेगा। आपने देखा होगा कि अभी आज ही हमने देखा कि उन्होंने हरियाणा में जो एक वो बनाया हुआ है 1,00,000 करोड़ रुपए का, ये नितिन गडकरी जी के इसमें इनके डिपार्टमेंट में जो भी आज देश में जो भी प्रगति दिख रही है, बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, रोड्स डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन। आज जो देश में जो काम हुआ है वो गडकरी जी के डिपार्टमेंट में हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी टिकट कटेंगी, उन्हीं को रिपीट किया जाएगा ऐसा। मगर आपको ये जिस तरह से पूरे जब 195 लोगों की बीजेपी की लिस्ट जाहिर हुई थी, पेश हुई थी, और उसमें 30 से 35 मंत्रियों के नाम थे और वहाँ नितिन गडकरी जी का नाम नहीं रहना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये बीजेपी की पॉलिसी है। उन्होंने मैंने कल ही परसों एक स्टेटमेंट देखा था देवेंद्र फडणवीस जी का, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जब भी लिस्ट डिक्लेयर होगी सबसे पहला नाम नितिन जी गडकरी का रहेगा। लेकिन मैं तो मेरी अगर आप पर्सनल अगर मेरी राय आप चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि नितिन जी गडकरी बीजेपी से न रहते हुए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके अगर लड़े तो मैं समझता हूं कि हर समाज नागपुर का, हर पार्टी का, मैक्सिमम पार्टी का आदमी उनके काम को लेके, उनका जो विजन जो है, जिन्होंने जो आज हम 10 साल से देख रहे हैं उनके जो काम करने का तरीका, लोग उनसे प्रभावित हैं। तो मैं समझ, और कोई भी समाज का उनके पास जाए तो ये मैंने सुना हुआ है कि जो भी उनके समाज, जो भी काम, जो भी समाज का आदमी जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी का काम करते हैं और सभी धर्म को लेके चलने का काम उन्होंने किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि वो इंडिपेंडेंट लड़े या तो फिर कांग्रेस से वो टिकट मांगे, कांग्रेस वाले उनको टिकट देवे तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से वो चुन के आएंगे। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने एक भर सभा में कहा था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको टिकट देंगे और महाविकास आघाड़ी आपको चुन के लाएंगी। क्या लगता है कि शुरुआत से ही नितिन गडकरी जी जो है संघ के खास रहे और बीजेपी से अपनी शुरुआत की है, चाहे वो मतलब अलग अलग आंदोलन हो, चाहे स्टेट में हो या फिर अभी सेंट्रल में जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, क्या लगता है कि वो महाविकास आघाड़ी में आके टिकट मिल पाएंगे उन्हें? नहीं, टिकट मिलने का क्या, टिकट अगर वो चाहेंगे तो टिकट मिल जाएगी, क्योंकि उनके संबंध हमने देखा है, राहुल जी से भी संबंध है उनके, महाविकास आघाड़ी से भी संबंध है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट मिलने में तकलीफ जाएगी कांग्रेस की। और अगर एक इतना बड़ा चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी से या महाविकास आघाड़ी से लड़ता है तो मैं समझता हूँ कि एक देश में एक बड़ा अलग मैसेज जाएगा। जी, एक अलग मैसेज जाएगा, हो सके तो इनका विजन और इनका जो काम करने का तरीका है तो इससे और लोग
हो सकता है बीजेपी के भी लोग कांग्रेस में आ जावे और गडकरी जी आगे क्या बनेंगे किसी को कोई मतलब वक्त ही बताएगा ऐसा मुझे मगर कांग्रेस या महाविकास और क्या लगता है कि गडकरी जी की जो विचारधारा है संघ की जो विचारधारा से जुड़े रहे और शुरुआत उन्होंने बीजेपी से की है और कई स्टेटमेंट उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी दिए हैं तो ऐसे में लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए विचारधारा आरएसएस की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा एक अलग है। आजकल लोगों के मन में जो काम करता है उसकी इज्जत होती है। आज इन्होंने अपनी जो इज्जत है उनकी विचारधारा को साइड में रखते हुए उन्होंने लोगों के काम पर ध्यान दिया, देश के प्रगति पे उन्होंने क्या मैं कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कितने अच्छे से कर सकता हूँ, जो डिपार्टमेंट दिया क्योंकि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ने में बीजेपी सरकार में एक ही डिपार्टमेंट में काम हुआ है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के मुझे मतलब वही एक कैंडिडेट ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले उनको देंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। कांग्रेस के पास तो आप देख रहे होंगे कांग्रेस के पास में कैंडिडेट अभी लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, चाहे नितिन राउत ले लीजिए जी, चाहे कोई भी कैंडिडेट ले लीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट उनको फाइट दे सकते हैं, वो सुनील केदार जी, और वो उसकी आपने देखा है कि वो लड़ नहीं सकते। तो अभी फाइट देने के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं है, सिर्फ नितिन गडकरी जी के सामने कोई कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट आता है तो सिर्फ एक नाम खिलाएंगे, उसकी पब्लिसिटी होगी। जैसा पिछले बार देखा होगा आपने बीजेपी से आए हुए नाना पटोले, उनको टिकट दे दी गई लेकिन क्या हुआ, अध्यक्ष बन गए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आपने देखा है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा इस मंच से कांग्रेस ने अभी इवैल्यूएट करना चाहिए, अगर कांग्रेस को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को अगर आगे जाना है तो पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये अशोकराज चौहान क्यों छोड़ के जा रहे, बाबा सिद्दीकी माइनॉरिटीज के बाबा सिद्दीकी क्यों छोड़ के जा रहे, कांग्रेस क्यों छोड़ के जा रहे। एक उन्होंने तो स्टेटमेंट भी किया अशोक राव ने कि नाना पटोले, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो करना चाहिए, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन बाड़ा साहेब थोरात ने करना चाहिए, विजय वडेट्टीवार ने करना चाहिए, सुनील केदार ने करना चाहिए, माइनस नाना पटोले करना चाहिए, क्योंकि ये जो कांग्रेस का जो ग्राफ जो नीचे आ रहा है महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, सीधा सीधा आरोप कर रहे हैं कि नाना पटोले की जो नीति है वो लोगों को कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही, कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। राहुल जी ने जो आज मेहनत कर रहे हैं देश को सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यात्रा से दोनों बहन भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं देश में लोगों को बता, लेकिन कांग्रेस की जो नीति है वो बराबर इस तरह से फेल हो रही है, क्योंकि लोगों को जोड़ने का काम किया नहीं नाना पटोले, एक बार इलेक्शन लड़े नागपुर से, बाद में गायब हो गए, किसी से मिले नहीं, किसी से मुलाकात की। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जितनी कार्यकारिणी के जो मेंबर्स हैं अगर आप देखेंगे तो उनको वो मुझे नहीं लगता कि वो सबको नाम से पहचानते होंगे, और किसको उन्हें प्रतिनिधित्व दिया ये खुद को नहीं मालूम, किस कम्युनिटी से किसको लेना चाहिए ये उनको क्या लगता है कि इस लोकसभा में नाना पटोले की नाराजगी पूरे महाराष्ट्र में दिखेंगी? जिस तरह से अशोक चव्हाण अभी चले गए और कुछ ही महीने में विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि कहीं भर्तियां बीजेपी में होने वाली है इनके नाराजगी से, ये तो मुझे इस बारे में कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन जिस तरह से अशोक राव ने छोड़ के गए ऐसे मुझे ऐसा लगता है लोगों के दिल में सुगबुगाहट है, लोग शायद जाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन हमारा तो क्या हमारे DNA में कांग्रेस है, हमको कांग्रेस भी रहना है जी। आप कांग्रेस में रहते हुए भी आप कांग्रेस के नाना पटोले के जो नेतृत्व को उंगलियां उठा रहे हैं? उंगलियां नहीं उठा रहा मैं, उनकी नीति के खिलाफ, उनकी जो नीति है जो आज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, नाना पटोले ने या कांग्रेस के हाईकमांड ने वो इवैल्यूएट करना चाहिए कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। आज मुझे बताइए नागपुर में नितिन गडकरी जी के खिलाफ में कैंडिडेट नहीं दे सकते आप, इसका मतलब आपके पास कोई तैयार नहीं है ना, क्योंकि कांग्रेस ही तैयार नहीं है लड़ने के लिए। नितिन राउत है इतने बड़े कद्दावर, उन्हें लड़ना चाहिए, मुकुल वासनिक जी ने से आके लड़ना चाहिए नागपुर से उनका होम टाउन है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो और जो भी लड़ने चाह रहे हैं कि खुद की पब्लिसिटी हो जाए, क्योंकि आज नितिन गडकरी के खिलाफ कोई भी लड़ेगा तो वो तो उसकी पब्लिसिटी होगी। आज मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी, सभी को मालूम है कि नितिन गडकरी को हराना इस बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ
ऐसा लग रहा है जो सर्वे आप देख रहे हैं, मैंने लोगों से बातचीत करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि झुकाव लोगों का गडकरी जी की तरफ है, क्योंकि उन्होंने लोगों के काम किया ऐसा लोगों को लगता है। क्या आपको लगता है कि इस बार अगर बीजेपी की तरफ से ही नितिन गडकरी जी को सीट मिलती है, तो हमेशा वो कहते आए कि मुस्लिम, मतलब हमेशा ही ये सर्वे में बताया जाता है कि बहुजन और मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं जाते, मगर गडकरी जी भी बोलते आए बीच में कई भाषणों में, उन्होंने कहा है आप हमें वोट दो या ना दो मगर हम काम सबका करेंगे, तो इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को नजर आएगा? वही जो उन्होंने कहा ना, आप वोट दो या ना दो हम सबका काम करेंगे, और उन्होंने सबका काम किया है। जो मुझे, मैं आज यहाँ बैठे एक मेरा पर्सनल व्यू देके बोल रहा हूँ, नॉट एज अ कांग्रेसमैन, एक पर्सनल व्यू है जो मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है जो आज चर्चा है, आज जो शहर में चर्चा है, सभी समाज उनको चाहने लगा है। मैंने आपको ये भी कहा कि अगर वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो तो बीजेपी में जितने वोट मिल रहे उससे ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसी उनकी आज परिस्थिति है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एज ए इंडिविजुअल मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस का रहते हुए मुझे तो कांग्रेस के लिए काम करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है किसी कारणवश अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है, तो क्या लगता है कि उन्होंने अपक्ष खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए और हम उनके साथ रहेंगे। और नागपुर की जनता कैसी, क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं, नागपुर की जनता डिसाइड करेंगे, अभी इलेक्शन की टिकट बटने दीजिए आप तो नागपुर की। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर नितिन गडकरी जी अगर रहे, कांग्रेस के कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं, सिर्फ जो कांग्रेस के कैंडिडेट को देखे होंगे आपने, मुस्लिम्स, शेड्यूल कास्ट और जो उनके जो नाना पटेल के जो समाज थे, कुंडी समाज का, वो कुछ परसेंटेज वोट मिला, लेकिन पूरा का पूरा लास्ट से मुस्लिम्स और शेड्यूल कास्ट ने अच्छा वोट दिया जी। फिर भी लेकिन अब इस बार कौन कैंडिडेट रहता है इस पे डिपेंड है। अभी नाम चर्चा में तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा कि ये इसको टिकट मिलेगी। ऐसे सुनने में आया था कि कहीं कांग्रेस के जो नेता है जैसे कि विकास ठाकरे जी हो या अभिजीत वंजारी हो या फिर विशाल मुत्तेमवार, इनके तरफ से पीछे से आवाज आ रही थी कि अगर गडकरी जी को टिकट नहीं मिलती है तो सभी लड़ेंगे वरना हम नहीं लड़ेंगे। क्या इसमें, इस बात में कोई सच्चाई आपको लग रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर विकास ठाकरे भी लड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरी अभिजीत वंजारी नहीं, अगर नितिन गडकरी जी को टिकट नहीं मिलती है तो ही लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, ऐसा कहना है? ये मुझे नहीं लगता। मुझे हो सकता, क्योंकि अब ये आप कह रहे इसका मतलब डर है, कहीं ना कहीं डर है। अगर गडकरी जी को टिकट मिलती है तो कोई नहीं लड़ेगा। अगर नहीं मिलती है तो सब लड़ने को तैयार है। फिर तो कोई भी लड़ेगा, लड़ने के लिए फिर कांग्रेस में माहौल हो जाएगा नागपुर शहर का, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस में माहौल है सिर्फ गडकरी जी के काम की वजह से, लोग उनको चाहने, समझ रहे? अगर उनको टिकट नहीं मिलती और कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट आता है बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट के खिलाफ, तो बहुत कई टक्कर होगी, ये मैं आपको बता दूंगा, अगर गडकरी जी नहीं लड़ते हैं तो। और विदर्भ का क्या सीन रहेगा? 2024 की इलेक्शन है, महाविकास आघाड़ी जहाँ शिवसेना, और मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी को रिप्रेजेंट शरद पवार जी ने करने के, बहुत सीनियर लीडर है जी, ये तीनों ने मिलकर, मतलब बाड़ासाहेब थोरात को साथ में लेना चाहिए, वडेट्टीवार सुनील केदार, इन लोगों को साथ में लेते हुए इन लोगों ने आगे में काम करना चाहिए और पॉलिसी बनाना चाहिए। आपने देखा होगा, अभी मैंने आज ही पढ़ा पेपर में, प्रकाश अम्बेडकर जी, प्रकाश अम्बेडकर जी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, आज ही दिया हुआ है, सुपारी लेने वाले नेता है, कुछ लोग पूर्व सीएम जाने वाले हैं, ये कहाँ से, ये न्यूज क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं नाराजी है प्रदेश में, कहीं ना कहीं नाराजी है, तो इसको नाराजगी को दूर करने के, जिनको पुराना जो जिनका एक्सपीरियंस है उनको साथ में लेके इन्होंने काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। अभी या तो नाना पटोले जी ने इनको साथ में रख के, इनको सामने रख के शरद पवार जी को बोलना चाहिए कि सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप जैसा डिसाइड करेंगे, क्योंकि तीनों की मिलकर एक महाविकास आघाड़ी बनी हुई है, तीनों ने आपस में बैठ के डिस्ट्रीब्यूट कैसी करना चाहिए टिकट, ये ध्यान में देना चाहिए। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने सीए की एक घोषणा पत्र सामने लाया है, सीए अगर अभी लागू हो रहा है तो इसका क्या असर होगा चुनाव के एकदम किनारे में ये सीए लागू हो गया है, और उसमें घोषणा में ये बताया कि हमारे बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2019 इन्होंने तो पहले डिक्लेयर किया हुआ था सीए का, लोगों ने अपोजिशन भी किया हुआ है। अभी वो सीए उन्होंने क्या क्या दिया उसके बारे में मुझे मालूम है नहीं, अभी वो देखना पड़ेगा, मैं पढ़ने के बाद में टेल यू एवरीथिंग जी। जस्ट आपके मुँह से सुना है मैंने कि सीए उन्होंने लागू किया हुआ जी,
क्योंकि अभी रमजान की तैयारी शुरू होने की वजह से मेरा ध्यान नहीं था उस पर, अभी अभी जस्ट आपने बताया, लेट मी गो थ्रू दैट। जो पास किया हुआ है कुछ ही दिन में, कुछ ही पल में इलेक्शन का माहौल लगने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है और रमजान का माह भी एकदम कंटिन्यू में आने वाला है, और रमजान के माह में रामनवमी भी आने वाली है, सॉरी आचार संहिता भी के इसमें रमजान के साथ साथ रामनवमी भी आने वाली है, और धार्मिक माहौल से आप किस तरह से देखना चाहते हो इस इलेक्शन को, और आगे मैसेजिंग क्या करना चाहते हो आप बीसीएन के दर्शकों को? धार्मिक देखिए त्यौहार है, त्यौहार मनाने का हर किसी को हक है। रामनवमी में भी लोग, हम लोग रामनवमी में जो भी श्रद्धालु लोग रहते हैं, हम लोग भी स्वागत करते हैं उन लोगों का शरबत से, पानी से, और रमज़ान में तो पूरा महीना इबादत का रहता है महीना। अभी इलेक्शंस डिक्लेयर कब हो रहे, क्या हो रहे, इस पर पूरा डिपेंड है, तो किस तरह से कैंपेनिंग होगा, क्या होगा ये सब, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार ये महीना बड़ा, रमज़ान का महीना बड़ा पवित्र रहता है जी। रमज़ान में 30 रोज़े रखे जाते हैं, ये सब आपको सबको मालूम है, और पूरे रोज़े में इंसान की हालत क्या हो जाती है, नमाज रहती है, इबादत रहती है, तो काम कैसे करना, क्या करना, ये सब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से। तो अब और रामनवमी में देखेंगे सिर्फ एक ही दिन जो पूरा जुलूस निकलता है रामनवमी का, बस वो एक ही दिन वो प्रोग्राम होता है, ये तो पूरा महीना भर चलता है। मैं सभी को रामनवमी की भी शुभेच्छा देता हूँ और पूरे रमजान की भी सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ जी। जाते जाते आखिरी सवाल, लोकसभा 2024 किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए रहेगा, जिस तरह से मोदी सरकार के ओर से बोला जा रहा है कि इस बार 400 पार, तो क्या लगता है 400 पार इतना आसान नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है ये जुमला है, जिस तरह मोदी जी ने 15 लाख का जुमला कहा था उसी तरह ये 400 पार, अभी मुझे नहीं लगता कि 400 पार के, आप अगर पूरा देश में अगर सर्वे करेंगे, क्योंकि मैंने साउथ में जैसे तमिलनाडु में 39 सीट्स है, 39 में से उनको एक भी मिल जाए तो बहुत है, तो ऐसा तेलंगाना हो गया, ये हो गया, मतलब ये पूरा सर्वे करना पड़ेगा। 400 बोलना आज आप लोगों को भी मालूम है, इट इज़ वेरी, 400 मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आप पत्रकारिता में हैं, आप न्यूज़ चैनल में हैं, आपको भी मालूम है कि 400 पार हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, और लोगों में जो गुस्सा है, महंगाई का गुस्सा है, लोग बता नहीं रहे, लोग शांत बैठे हुए, ये देश का जो माहौल है ना, अभी लोग शांत बैठे हुए, लोगों को मालूम ही नहीं, अभी लोग अपना जो गुस्सा है वो उसमें निकालेंगे, वोटिंग में निकालेंगे, तब पता चलेगा 400 पार होता या 400 अंदर होता और किसकी सरकार बनती जी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, इलेक्शन के रिजल्ट में ये बातें पता चलेंगी। लोकसभा 2024 के बारे में आज हमारे साथ थे दो बार महाराष्ट्र और गोवा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे आसिफ कुरैशी जी। ऐसे ही कुछ विशेष चर्चाओं के साथ, विशेष अतिथि के साथ हम फिर से पेश होंगे, तब तक आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।